किसी का भी युद्ध हो। तो एमएस वर्ड 2003 में बता दिया था ना आप लोगों को। 2003 का रिकॉर्डिंग तो गलती से डिलीट हो गया क्योंकि मैं 3-4 बार अपना कंप्यूटर फॉर्मेट कर दिया। ठीक है, तो अगर आप कहेंगे कि आपको रिकॉर्डिंग चाहिए, ठीक, तो मैं दोबारा वो लेक्चर लेकर के रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा। ठीक, और आप कहेंगे कि वो रिकॉर्डिंग का जरूरत नहीं है, हमको याद हो जाता है एक बार में सब कुछ, तो मैं रिकॉर्डिंग दोबारा नहीं करूंगा, दोबारा आपको नहीं बताऊंगा। ठीक, आप कौन सा बता रहे हैं? अभी बता दे रहा हूँ, एमएस वर्ड 2010। ठीक, सात 7 खत्म हो गया। ठीक है, तीन उसी दिन में बता दिया ना, तो 7 हो गया खत्म। हाँ, 7 हो गया, 3 हो गया, अब बचा है 10। ठीक है, एमएस ऑफिस 2010 कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, जैसा 7 में टैब वगैरह है वैसा इसमें भी है। ठीक है, कुछ एक दो ठो फीचर ज्यादा होगा वो मैं बता दूंगा। ठीक है, ये सारा मेनू आप पढ़ लिए हो। ठीक है, ये मेलिंग्स वाला जो है, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। ठीक है, ये 2-3 मेनू जो आपको मैं बताया था, तो मेरा लैपटॉप खराब था तो उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसको तो आप लोग प्रैक्टिकल भी कर ही लिए होंगे ना। क्यों, जो मैं आप सबको टास्क दिया था, ठीक है, वो सब टास्क अगर आप बनाए होंगे तो ये मेनू हो गया होगा और इसमें टेबल वगैरह और बाकी बाकी चीजें आ गया होगा। ठीक है, हाइपरलिंक, हेडर, फुटर, चार्ट, चार्ट को मैं टास्क दे दूंगा एक्सेल में आपको। ठीक है, वर्ड आर्ट वगैरह का, मैथमेटिक्स का आपने शायद क्वेश्चन पेपर लाया था लेकिन मैं बता नहीं पाया। ठीक है, तो जब क्लासेस शुरू होगा तो फिर मैं आपको मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर टाइप करके दिखा दूंगा। ठीक है, बाकी इन सब का वाटर मार्क, मार्जिन वगैरह का आप प्रैक्टिकल एक बार करिएगा, आज ही कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी 2-3 रिकॉर्डिंग जो अपलोड नहीं हो पाया है वो कल छुट्टी में पूरा अपलोड हो जाएगा, आप घर में बैठ के देख सकते हो पूरा। ठीक है, रिकॉर्डिंग एक बार पूरा ध्यान से शुरू से आखिरी तक आप देख लीजिएगा। ठीक, रिव्यू और व्यू रिकॉर्ड नहीं हो पाया है तो इसका रिकॉर्डिंग अपलोड मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं जी हमको रिकॉर्डिंग चाहिए, तो मैं दोबारा लेक्चर लेकर के रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आपका जैसा इच्छा। ठीक, फिर मैं इधर आकर के ऑप्शन कहाँ है, ये ऑप्शन है। ठीक है, इधर मैं कुछ सेटिंग्स वगैरह भी बता ही दिया था आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पे सिल्वर है, ब्लू में क्लिक कर दूंगा तो ये ब्लू कलर का पूरा हो जाएगा, जैसे हो गया ना अभी। तो ये थीम्स वगैरह मैं बता ही दिया था आप लोगों को। ठीक है, ब्लैक कर देंगे तो ब्लैक हो जाएगा ये थीम पूरा, ये देखिए। ठीक है, तो 7 में भी ये बता ही दिया था मैं आप लोगों को। ठीक ना, वही है डिस्प्ले टैब, अगर इसमें चेक कर देंगे तो टैब दबाएंगे तो ये वाला साइन आएगा, स्पेस स्पेस दबाएंगे तो ये वाला साइन आएगा, अगर ये ऑप्शन को मैं चेक कर दूंगा तो। ठीक है, इस पे क्लिक कर दूंगा तो जहां जहां पैराग्राफ छोड़ूंगा, चेंज करूंगा, वहां पे ये साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब तो मैं आपको बता दिया था उसमें, तो ये सब उम्मीद है कि आप सब जो है समझ गए होंगे, जान गए होंगे। ऑटो करेक्ट भी मैं बता ही दिया था आप लोग को। ठीक है, और तो कुछ मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ बचा होगा। ठीक है, ये 10-10 मिनट में अपने आप सेव कर लेगा। ठीक है, लाइट वाइट कर जाते है, आप ऐसा काम करिएगा। ठीक है, कि 1 मिनट का टाइम डिफाइन करिएगा। ठीक है, और कुछ टाइप करके छोड़ दीजिएगा। ठीक, 1 मिनट बीत जाएगा उसके बाद सीधा कंप्यूटर डायरेक्ट बंद कर दीजिएगा। ठीक, और फिर जब आप एमएस वर्ड खोलेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि इधर एक तो रिकवर करने का आता है ऑप्शन, वहां से आप ले लाएंगे रिकवर करके, इसका ये मतलब होगा। ठीक, ठीक ना, बाकी प्रूफिंग है। ठीक है, तो ये इसको अनचेक कर दूंगा मैं, तो टाइपिंग करते समय चेक नहीं करेगा स्पेलिंग वगैरह को। ठीक है, तो यही सब मतलब है इसका। ठीक है, बता दिया था मैं आप लोगों को, तो आप लोगों को ये समझ में भी आ ही गया होगा। जैसे कंट्रोल क्लिक करें तो हाइपरलिंक ओपन हो जाए। ठीक है, और अब मुझे जो लगता है कि और बताना चाहिए। ठीक है, तो ये आप टैब देख रहे हो ना। ठीक है, ये जो टैब है, होम, इंसर्ट और पता नहीं क्या क्या टैब है। ठीक है, तो बहुत अच्छा होता
कि इस तरह का टैब हम अपने नाम का भी बना देते एक आध, क्यों, क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, अब आप अपने नाम का भी टैब बना सकते हैं एक ठो, और उस टैब के अंदर आप कुछ कमांड डाल सकते हैं, ठीक। कैसे? 2007 में तो नहीं, पर इसमें डाल सकते हैं। मैं राइट क्लिक किया, यहाँ पे आ जाऊंगा कस्टमाइज द रिबॉन, ठीक है, यहाँ पे आऊंगा तो ये में ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। या फिर ऑप्शन में मैं जाऊंगा और फिर कस्टमाइज में आ जाऊंगा तो ये ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अब ये सब जो शो कर रहा है, मेन टैब ही शो कर रहा है ये, ठीक है। मैं क्या चाह रहा हूँ जी, ये होम वाला जो मेनू है इसको गायब कर दूं, ठीक। तो करूंगा कस्टमाइज में क्लिक, इसमें कर दूंगा अनचेक और कर दूंगा ओके, गायब हो गया ना। कितना बढ़िया टेक्निक है, देख करके सुकून मिला हमें क्यों, अच्छा तरीका है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं गायब, ठीक है। इसको मैं चेक करके कर दूंगा ओके तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर से इसमें मैं आता हूँ अब, ठीक है, और ये है, ठीक है। इंसर्ट में जैसे मान लीजिए होम वाले में कुछ मेन्यूज ये बने हुए हैं, ठीक है। मैं इसको चाह रहा हूँ रिमूव हो जाए, रिमूव हो जाए, रिमूव हो जाए, ठीक है। तो होम में जो जो चीज़ें था वो सारा जो है हट गया, खाली हो गया, ठीक। कितना बढ़िया टेक्निक है ना, वाह। अब दोबारा लाना है तो आप ले लाइए एक एक करके जो जो चाहिए, लेकिन मैं उतना मेहनत नहीं कर सकता, ठीक है। तो रीसेट में कर दूंगा ऑल कस्टमाइज को, यस कर दूंगा ओके, तो अपने आप जो था वो आ जाएगा, ठीक, आ गया ना। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो ये फॉन्ट वाला ऑप्शन है ना, ये वाला ऑप्शन जो है इंसर्ट में आ जाए, इस वाले में, इसमें तो नहीं है ना। तो राइट क्लिक करके कस्टमाइज पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और फिर इस होम वाले पे जाऊँगा। ये देखिए फॉन्ट दिख रहा है, इसको मैं कर दूंगा, ये देखिए स्क्रॉल करता हूँ ऐसे, अब प्रोजेक्टर के कारण से रेजुलेशन में कम किया हूँ, इसको डाउन कर दूंगा, डाउन डाउन डाउन, आ गया इंसर्ट वाले में, आ गया ना, कर दूंगा ओके, ठीक। तो ये देखिए इसमें फॉन्ट गायब, फॉन्ट आ गया इसमें, ये देखिए आ गया ना। कितना बढ़िया टेक्निक है ना, है टेक्निक अच्छा। चलिए जी, रीसेट में कर दूंगा तो सब कुछ रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डिलीट कर सकते हो, कमांड्स ला सकते हो, ठीक है। अब समय आता है उसका जो मैं कहा था कि आप खुद का, खुद के नाम से बना लीजिए मेनू, ठीक है। तो आप अपने खुद के नाम से मेनू कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है, ठीक है। न्यू टैब में क्लिक कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे आ गया ना, इसको कर दीजिए रीनेम, एस ई एम ए एन टी, कर दिया, ठीक है, आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आता हूँ, ये बोल रहा है न्यू ग्रुप, ठीक, इसको भी मैं रिनेम करके कर देता हूँ एस ए वी ई, सेव, ठीक है। इसमें कुछ आइकन मैं देना चाह रहा हूँ तो क्या आइकन दे दूँ, ए वाला आइकन दे देता हूँ, ओके, ठीक। अब कर दिया मैं ओके, ठीक है, ये देखिए एक ठो आ गया ना, यहाँ पे सेव वाला ग्रुप है, ठीक। इसमें अभी कुछ है नहीं, मैं लाया नहीं हूँ, ठीक है। जैसे फॉन्ट का इतना बड़ा है, इतना बड़ा बॉक्स है, फिर पैराग्राफ का इतना बड़ा ग्रुप है, ठीक है, वैसे ही इसका ये ग्रुप है, ठीक है। अब मैं यहीं से आऊंगा, ये देखिए यहाँ पे है, इसको मैं चाह रहा हूँ कि आखिरी में चला जाए ना, तो ऐसे आखिरी में भी आ जाएगा, डाउन एरो दबाऊंगा तो, ठीक है। तो ये आखिरी में आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे व्यू के बाद, नहीं नहीं नहीं, नहीं हाँ व्यू के बाद इसको कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसमें सेव डाल दिया हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो क्या ऐड कर दूँ, सेव ऐड कर दूँ ना, तो इसमें कहीं सेव दिख रहा है जी, ये देखिए सेव है, कर दिया मैं ऐड, ये सेव एज है, इसको भी कर दिया ऐड, आ गया इसमें, कर दिया मैं ओके, ठीक है, आ गया ना इधर। फिर मैं चाहता हूँ कि इसमें फॉन्ट भी ऐड हो जाए, ठीक, तो कस्टमाइज कर दिया मैं, ठीक है,
इस पर क्लिक किया, न्यू ग्रुप। न्यू ग्रुप में क्या कर देता हूं मैं, नाम इसका कर देता हूं फॉन्ट रीनेम। रुकना, क्या रिमूव कर दिया क्या मैं, गलती हो गया। फिर मैं इसमें आऊंगा, ठीक है, इसको कर दूंगा मैं FONT, ठीक है। फॉन्ट का मैं आइकन नहीं दे रहा हूं, कर दिया ऐसे, ठीक है। अब इसमें मैं ऐड करूंगा फॉन्ट, ठीक है। तो यहां पे आ गया मेन टैब्स, ठीक है, होम में आ गया, ये है फॉन्ट, इसको कर देता हूं मैं ऐड, ठीक, सीधा फॉन्ट आ गया, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूं, काहे के लिए अपने से बना दिया, रिमूव हो जा भाई। ये देखिए सीधा फॉन्ट आ गया इसमें, यही वाला फॉन्ट इसमें ऐड कर दिया, कर देता हूं मैं ओके। तो देखिए ये सेव वाला है, ये फॉन्ट वाला आ गया ना। तो ऐसे आप चाहें, मैं जैसे चाह रहा हूं कि ये फॉन्ट पूरा ना है, खाली ये बोल्ड वाला कमांड है, तो खाली बोल्ड वाला आ जाएगा। कैसे आएगा दिखा दे रहा हूं, इसमें जाऊंगा मेन टैब, होम, फॉन्ट, ठीक है, बोल्ड, कर दिया ऐड, ठीक है। बोल रहा है कि कुछ ग्रुप बना लो, तो मैं बोल दे रहा हूँ कि बना ले रहा हूँ भाई, ग्रुप का है टेंशन ले रहे हो, ठीक है। इसको मैं रिनेम करके दे देता हूँ फॉर्मेट, फॉर्मेट दे दिया। अब इसी फॉर्मेट ग्रुप के अंदर इस बोल्ड को मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, और कर दूंगा ओके। ये देखो आ गया यहाँ पे ना बोल्ड, कितना खुशी का बात है ना, ठीक है। तो ये सब आसान काम है, इस तरह से आप बना लिया करोगे, ठीक है। तो 2010 ये आपको सुविधा देता है कि आप खुद का मेन्यूज वगैरह बना सको, कमांड्स वगैरह बना लो, इधर से ले लाओ कुछ कुछ, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं बनाया हूँ, ठीक है। Alt दबाया, ठीक है। अब इसको Y1 दबाऊंगा तो इस पे आ जाएगा, अब Y2 Y3 दबाऊंगा, इसको 1 2 3 4 से एक्सेस हो जाएगा ये, ठीक है। जैसे Y2 दबाया, ठीक है, तो सेव एज होने लगा। Y प्रेस किया था और उसके बाद 2 दबा दिया, दोनों एक साथ, ठीक है, तब वो एक्सेस हो गया था, ठीक है। तो ऐसा काम तो आप लोग भी अब कर ही लोगे, क्यों कर लोगे ना, ठीक है, हो जाएगा। अब इन सब चीजों को तो नोट बना के लिखवाने का तो कोई है नहीं, आप लोग इंटेलिजेंट आदमी हो, क्यों, शायद आप लोग भूल गए होंगे तो फिर से याद दिला दे रहा हूं मैं, ठीक, क्या याद दिला दूं, गाढ़ा हुआ पैसा और किताब का ज्ञान कभी काम नहीं आता, इसलिए आप सब कुछ याद कर लो, सारा पैसा जेब में रख लो, ठीक है, ठीक ना, गाढ़ा हुआ धन और किताब का ज्ञान काम नहीं आता, ठीक। तो अब तो जरूरत होगा नहीं नोट्स वगैरह लिखने लिखवाने का, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये खत्म ही हो गया होगा, और कुछ पूछना है तो पूछ लो जी। ₹2013 वगैरह में माउस यहाँ पे लाओगे ना, तो यहाँ पे प्लस का साइन अपने आप आ जाता है और वहां से ऐड हो जाता है कॉलम्स, रो वगैरह ऐड हो जाता है यहाँ पे लाओगे तो, प्लस कॉलम में तो शायद नहीं आता है प्लस का साइन, लेकिन रो में आ जाता है 13 में, ठीक है। रुको, छुट्टी के जस्ट खत्म होने के बाद जब क्लासेस चलेगा तो मैं 13 वाला भी आपको दिखा दूंगा, ठीक, कि 13 कैसा चलता है, ठीक है। और कोई समस्या, कोई तकलीफ है तो बताइए, नहीं है ना, है तकलीफ नहीं है, ये मेनू मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं इसको चाहूँ तो हाइड भी कर सकता हूँ और चाहूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ इसको, कैसे, राइट क्लिक करके, आसान है, रिमूव। जैसे मैं चाहता हूँ कि कुछ टाइप सिर्फ शो ना करे ना, तो मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसा, ये देख लीजिए खाली होम है और व्यूज है, बाकी पार हो गया। कोई कहे कि जी कितना मेनू होता है, तो आप बता देना, आप कितना चाहते हैं बता दो, मैं उतना दिखा दूंगा, ठीक है। आपसे पूछेगा वाइबा वाला
कि एमएस वर्ड में कितने मेनू, तो उत्तर देने का मन करेगा तो दे दीजिएगा, नहीं तो उसके साथ थोड़ा सा एंजॉय करने का मन करेगा तो कहिएगा आपको कितना चाहिए सर। ठीक है, तो पूछ लीजिएगा सर आपको कितना चाहिए। ठीक, आपको जो चाहिए हम वो दे देंगे आपको। ठीक है, बढ़िया टेक्निक है, हमको चाहिए था तो ये पूरा आ गया जी, बड़ा आसान है ना। हाँ, कितनी खुशी का बात है। ठीक, और कुछ? एक्सेल का शक्ल दिखा दूं कैसा होता है, विंडोज आर ई एक्स ई एल। ठीक है, ये लिख के एंटर मारोगे तो आ जाएगा एक्सेल। ठीक है, देखे थे ना, तो फिर से देख लीजिए, दर्शन हो जाए इसका। ठीक है, इसमें भी जोड़ना घटाना बड़ा आसान है। ठीक है, आया एंटर, जुड़ गया, कितना खुशी का बात है। मैं ऐसा काम किया कि यहाँ पे आया, ऑल्ट और इक्वल टू दबाया तो ऐसा आ गया, और मार दिया एंटर तो जुड़ गया। ठीक है, एक्सेल हम लोग पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, आराम के साथ पढ़ेंगे, और इतना आराम से पढ़ेंगे कि उतना आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, इसमें गिनती पहाड़ा भी लिखना बड़ा आसान है। ठीक है, कैसा है गिनती पहाड़ा लिखना, दिखा दे रहा हूँ कैसा है। एक दो, ठीक, दो, ठीक है, ये देखिए, दस तक ये हो गया, ऐसा कर दिया मैं। ठीक है, दो दूना चार होता है ना, बस काफी है इतना। हो गया। ठीक है, कितना तक चाहिए? ओ नो, सॉरी सर, गलती हो गया, एक्सेल बुरा मान गया यार, मजा नहीं आया मेरे को। दस तक करते हैं, बन गया, वाह कितना खुशी का बात है। ठीक है, पहाड़ा लिखा गया, सही है लिखा है ये पहाड़ा, इसको थोड़ा करीब ले लाइए, लाना है अगर तो इसको पकड़ के ऐसे कर दीजिए तो ये करीब करीब आ जाएगा। ठीक है, और इसको टेबल में बनाना है तो कर दीजिए यहाँ से आके बॉर्डर। ठीक है, बन गया, प्रिंट करना है तो ये प्रिंट भी हो जाएगा आराम के साथ। कैसे होगा प्रिंट, आराम से होगा। ठीक, ये देख लीजिए, बन गया टेबल, बन गया ना। कितना बढ़िया टेक्निक है, वाह, फालतू के मारपीट के बच्चों से टेबल लिखवाते हैं, पहाड़ा पहाड़ा लिखो, पहाड़ा गाय को इतना मेहनत करने का क्यों, लिखा गया बढ़िया टेबल। चलिए जी, या इसको और आगे तक लिख दो, यहाँ तक भी लिखा जाएगा, लिखा गया, या फिर ये लीजिए 100 तक हो गया। ठीक है, पर कोई फायदा नहीं है इसे लिख पढ़ के, मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यही ही एक्सेल है और इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे जो है बहुत ही आराम के साथ, इतना पढ़ेंगे एक्सेल ताकि हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ताकि आप काम कर सके बेहतर रूप से, और काफ़ी लंबा चलेगा एक्सेल। ठीक है, लगभग मुझे लगता है 10-15 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए एक्सेल भी, या एक महीना चलेगा तो एक महीना तक पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए जी, तो एक्सेल को बंद कर दो, एक्सेल का तो क्लास था नहीं, मैं ऐसे ही दिखा दिया इसका शक्ल। ठीक है, तो वर्ड में कहीं किसी को दिक्कत आएगा नहीं मेरे को लगता है, नहीं आएगा ना। चलिए, नहीं आएगा तो मैं बंद कर देता हूँ डोंट सेव बोल के। ठीक है, और इसको भी बंद ही कर देता हूँ मैं, बंद कर दूँ। ठीक है भाई।